जो फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह, मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे एंड ऑफकोर्स मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे। तो चलिए, जो सैटरडे को रीडिंग मैं लेके आती हूँ वो मैं नहीं ला पाई थी, और वो हमारा एनर्जी अपडेट रीडिंग होता है। तो हो सकता है पहले से फॉलो कर रहे हो या आप नए आए हो, बट अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ। इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और तब आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग करते हैं। पहले सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग करते हैं, फिर स्ट्रेंथ की रीडिंग करूँगी और देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए एट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो बात है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं, मतलब वर्तमान टाइम में, वर्तमान ये जो समय चल रहा है उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो उसमें जो सबसे पहली एनर्जी है वो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर मुझे रिग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, तो मे भी उन्होंने चीज़ें कुछ गलत की होंगी या कुछ ऐसा किया होगा जो एट प्रेजेंट ओके उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। मे भी अब कभी कभी होता है ना कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो बहुत लंबे लंबे समय से और आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अब उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता होगा, बहुत बुरा लगता होगा। वो चीज़ों को थोड़ा सही करने की तरफ जाना चाहते हैं बट चीज़ें सही हो नहीं रही हैं। ओके, चीज़ें सही होने के डायरेक्शन की तरफ मुझे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। ओके, उनको ऐसा लगता होगा कि प्रोबेबली उन्होंने जो गलतियां की हैं ओके अब वो शायद उसको, उनका ऐसा लगता है कि शायद वो उसको ठीक कर लेते या चीज़ें अगर ठीक हो जाती तो बेहतर होता। ओके, लेकिन उसको ठीक करने के लिए या उसको सही करने के लिए वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ओके, वो देखिए, अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आप दोनों का कोई प्रॉपर ऐसे सेपरेशन टाइप का सिचुएशन चल रहा है, तो उनको ऑफ कोर्स ऐसा लगता होगा कि भाई ये जो भी सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए वापस से, उनको ब्रेकअप करने का या आपसे नहीं बात करने का या आपसे मिसबिहेव करने का, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट मुझे इस पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। और तो देखिए, उनके वर्क की एनर्जी अच्छी है, अपने वर्क पे ध्यान देते हैं ओके, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को आपकी स्थिति के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ओके, उनको उनके लाइफ में जब तक आप थे तब तक उनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हुआ करती थी, तो वो चीज़ें वो मिस करेंगे। ओके, वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं जाएंगी। एक देखिए, आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है ओके, मैं बताना आपको भूल गई थी, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। वो वैसे से एक लॉयल पर्सन है ओके, इस इंसान पे डिपेंड किया जा सकता है, बट सडनली जिस भी रीज़न से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई, अब एट प्रेजेंट ऐसा लगता होगा कि क्या किया जाए जिससे कि चीज़ें थोड़ी जो है वो सही रहे। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील होती होगी, बहुत ज़्यादा। वैसे वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सही तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, बट समवेयर ओके
वो एक इंथुजियाज्म है इस पर्सन के अंदर कि भाई चीज़ें सही हो जाए, तो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। चीज़ों को सही करने के लिए इनको चीज़ों को अपने हाथ में लेना होगा, अपने हिसाब से करना होगा, जिसके लिए इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ा या मैं आगे बढ़ी और चीज़ें खराब हो गई तो क्या होगा। तो ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है। और ऑफ कोर्स एज अ पर्सन इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में झुकना नहीं सीखा है। बहुत ज़्यादा किसी से सॉरी मांगना या किसी से झुकना या किसी को ऐसा फील कराना कि वो भी आप पर्सन इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इन्होंने नहीं करी है। ये चीज़ इन्हें शायद इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है, या इनके एक्सपीरियंस में भी बचपन से इन्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिला जबकि इन्हें ऐसा कुछ करना पड़े, जिसकी वजह से एट प्रेजेंट इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी उनको ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ के सॉरी बोला जाए, कैसे अपने ईगो को शांत रखा जाए। तो उनको ईगो को थोड़ा कट तो करना होगा ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाए। काफ़ी अकेला है ये पर्सन, और उसका एक रीज़न, मेजर वजह ये भी है कि ये जो अकेले रहने की एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं खुद की वजह से भी आई है, क्योंकि खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो ये जो मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है वाला वाली जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, या मैं ही सबसे बेस्ट हूँ वाली एनर्जी है, उसके वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना लाइफ में बहुत लोनली ही रहेगा। मिलेंगे लोग इनको, मिलेंगे ऐसे लोग इनको ज़्यादा मिलेंगे जो इनके सर को और ऊपर के डायरेक्शन में भेजेंगे कि भाई आप ही हो, बस देवता ही हो आप इस टाइप का सिचुएशन। ऑल दो केयरिंग होते हैं बट लविंग होते हैं, बट कहीं ना कहीं अकेले रहने की आदत मुश्किल हो जाती है, अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, बिकॉज एक डीपर कनेक्शन ये दुनिया के साथ नहीं बना पाते। कुछ अकेले मोमेंट्स इनके ज़िंदगी में हमेशा, मतलब बहुत सारे केस में इनके ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स अकेले ही गुजरते हैं। स्टेप बैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन पीछे के तरफ हट रहा है। और उनकी ज़िंदगी में उनको जो भी चाहिए वो उनको मिला है। इन स्पाइट दैट उन्होंने उस चीज़ की इज्जत नहीं की है, और जब उन्होंने इज्जत नहीं की है तो वो हमेशा ही दुखी रहे या चीज़ें उनके पास से चली गई हैं। कहीं ना कहीं ये जो दूर जाने का डिसीजन है, वो जानते हुए चाहते हुए भी वो ले रहे हैं, हट रहे हैं। अगर आप बुलाने की भी कोशिश करते होगे तो नहीं आते होंगे, अलग ही डायरेक्शन में चले जाना चाहते हैं, बट वो हैं, अभी भी अराउंड हैं। कहीं ना कहीं इस टाइप के ही लोग स्टॉक भी करते हैं, देखते रहते हैं कि उनका पार्टनर क्या कर रहा है, अब कोई मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है इसमें किसी टाइप का कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी हो, कोई ऐसा पर्सन इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हो जिसके वजह से ये पर्सन एट प्रेजेंट कोई मेजर डिसीजन नहीं ले रहे। मे बी इनकी फैमिली इन्हें अलाउ नहीं कर रही होगी, या इनकी मदर्स इन्हें अलाउ नहीं कर रही होंगी, तो उस वजह से भी ये ना चाहते हुए भी दूरी बना रहे हैं, और उस दूरी को देख करके ये खुश नहीं है। और ये सारी जो भी दूरी है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को और ज़्यादा अकेला 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 बनाती चली जाएगी। अभी थोड़ा इनको ऐसा लगता है कि चाहे जैसा भी महसूस हो, मुझे इस चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो सामने से झुक के एक स्टेप नहीं लेना चाहते, मैंने आपको बताया, तो वो सोचते हैं कि ठीक है अभी और जो भी होगा तो शायद भगवान देखेंगे, या जिसको भी वो अपने गॉड मानते हैं वो देखेंगे, या चीज़ें थोड़ी डेस्टिनी के हिसाब से होंगी। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर वो चीज़ है कि बहुत ईगो कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है, ये ईगो आप बैर नहीं कर पाओगे। तो इनके करंट फीलिंग्स में जो चीज़ें एट प्रेजेंट हैं, सबसे पहले शो ऑफ की एनर्जी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा शो ऑफ आपको पसंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
दुनिया के सामने इनका अलग चेहरा हो सकता है, अकेले इनका अलग चेहरा हो सकता है। जो दुनिया के सामने इनका चेहरा है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इनके दुख को नहीं देख सकते हो बाहर से। ये अपने लाइफ को बहुत सीक्रेटिव रखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक हैप्पी रिलेशनशिप जब के तो एक हैप्पी रिलेशनशिप जब ब्रेक करता है तो जो रिग्रेट, जो चीज़ें एक पर्सन के माइंड में आती हैं वो सारी चीज़ें हैं। बट आपके रिलेशनशिप को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनको यकीन है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से स्टार्ट होंगी। एक कॉन्फिडेंस वाले सिचुएशन में ये पर्सन है। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, चीज़ों को बहुत शांति शांति से लेकर के आगे बढ़ेंगे। इनके सिचुएशन में तो काफ़ी इमोशनली एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर को डिस्टर्ब भी लगेगा। ओके, मैंने बहुत ओके तो इमोशनली डिस्टर्ब टाइप का महसूस होगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अपने फेवर में रखना चाहते हुए भी चीज़ों को फेवर में नहीं रख पाएंगे। वो अगर कोई सामने से स्टेप नहीं लेते हैं तो मुश्किल होगा। ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइप के भी महसूस होने का चांसेस है। दूसरा कि वो पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेकर के, तो ऑफकोर्स जब भी आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो वो आपके साइड मूवमेंट ज़रूर करेंगे, वो बढ़ के आपके साइड ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, और ये स्टेप जो है वो उनके साइड से होगा। अभी अभी कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट मत करना। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी रखेंगी या रखेंगे तो ये आपको अभी बहुत ज़्यादा रुलाएंगे, क्योंकि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आप इनका जितना इंतज़ार करेंगी या करेंगे या आपके पास होते हुए भी आपको ये एहसास नहीं होने देंगे कि ये आपके पास हैं या ये आपके अराउंड हैं। ओके, क्या पूरे सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसका थोड़ा आइडिया इस पर्सन को है। तो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए या आपके पार्टनर को नहीं पसंद है, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे करके चलें। ओके, और एक लास्ट बार मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं मान ली क्या आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, क्या चीज़ें आती हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये जो भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ा तो अपनी वजह से नहीं हो रहा। ओके, बिकॉज खुद को नहीं आता है छुप के सॉरी बोलना, खुद को चीज़ें नहीं आती हैं उसके वजह से हो रहा है। और कुछ चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं बिकॉज आपके पार्टनर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं, जिसमें आए दिन ये पूरा सिचुएशन और ज़्यादा उलझता ही जा रहा है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ओके, और ये सारे कार्ड आपके फॉलोअप कार्ड हैं, तो मैंने सब निकाल दिया, और आपका सेपरेशन चल रहा हो। सकता है बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, आपका रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो और अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो तो अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो होते हुए भी देख रहे हैं, जो गलत होते हुए भी ये पर्सन देखेगा, उसको भी यकीन नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप की मजबूरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो कि वो एक कोर पे जा करके खुद से कुछ डिसीजंस ले सकें। बहुत होपफुल रहने, देखिए होपफुल रहना हमेशा ही अच्छा होता है। आप जितना होपफुल रहते हो या जितने पॉजिटिव रहते हो, रिश्ते को चला पाना, ज़िंदगी को चला पाना उतना आसान होता जाता है। बट इस पूरे सिचुएशन में ये होप करके बैठ जाना कि भाई जो भी होगा सामने वाला करेगा, ये मुझे कहीं ना कहीं एक गड़बड़ चीज़ नज़र आ रही है। अभी कोई इनके पास रास्ता भी नहीं है। ओके, इनकेस अगर आपने ही इनको ब्लॉक कर रखा है और अगर आप चाहते हो कि रिश्ता फिर से बरकरार हो तो इन्हें अनब्लॉक कर दीजिए। ओके, और जितना सेपरेशन आपको हर्ट करता है उतना ही इस पर्सन को भी हर्ट करेगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से बंधी हुई है। कोई तीसरा अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गया है तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, अब
कोई भी तीसरी एनर्जी अगर आपके रिलेशनशिप में आ गई है तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ें आप लोगों के बीच में, जिनके बीच में अभी ऑन ऑफ चल रहा है वो ऑन ऑफ चलेगा, जिसके बीच में जिन लोगों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो अभी कुछ समय थोड़ा सेपरेशन चलेगा, मूवमेंट ये करेंगे। ये जो पेन है, जो आपके बिना रहने का जो पेन है, वो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बहुत समय तक। और इनके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत खराब चल रही हैं। कोई काम ये शुरू करेंगे वो काम खराब हो जाएगा, किसी चीज़ में ये इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, इन सैलरी सॉरी नौकरी छूट सकती है, बिजनेस डूब सकता है, किसी पर्सन फैमिली में कोई पर्सन मेजरली सिक हो सकता है, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो वो नहीं चाहते हैं कि हो। तो ये सब कुछ होने की वजह से ना ये पर्सन ऑलरेडी बहुत मेसअप सिचुएशन में है। तो ऊपर से जो हैप्पी हैप्पी फेस आपको नज़र आ रहा है ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रहे हैं, बट ये ब्रेक किसी को नज़र नहीं आएगा। ओके, और इस पूरे सिचुएशन में वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के बात करो, और आप दोनों के बीच में सिंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज रन कर रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा ट्रुथ और ज़्यादा सच्चाई की ज़रूरत है, और ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से हो सकती हैं, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है। दूसरे लोगों की बातें नहीं सुन के इस रिलेशनशिप को और अच्छे और बेहतर तरीके से कैरी ऑन किया जा सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए एक ऑप्शन थे। देखिए, ऑप्शन तो नहीं थे, मगर इमेच्योरिटी थोड़ी इनके अंदर है। ओके, थोड़ी इमेच्योरिटी है, थोड़ी बातों को पकड़ के जिद करने की आदत है, जो चीज़ ठान लिया वो वैसे ही करेंगे इसकी आदत है। तो इन सारी चीज़ों के वजह से इनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा, काफ़ी मुश्किल। तो वहाँ पे जब ये सर नहीं झुकाएंगे तब आपको ही झुकाना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत पेनफुल। अगर ये आपको छोड़ के या आपसे ब्रेकअप करके कुछ भी कर रहे हैं, या आपके साथ होते हुए भी बात नहीं करना, ढंग से पेश नहीं आना, कुछ भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग थर्ड पार्टी, सपोज अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एनर्जी में हैं, अगर हैं तो, सबके लिए नहीं फॉलो करता, वहाँ पे भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैप्पीनेस का एक अंश भी इस पर्सन के लाइफ में नहीं दिख रहा है। बस बाहर से जो भी हैप्पीनेस हंसता हुआ चेहरा आपको दिख जाए वही है। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करते हैं, जो कि है स्ट्रेंथ पाइल, और देखते हैं हमारे स्ट्रेंथ पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें हैं आपके पार्टनर की, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये हमारे जो कुछ समय से मैं रीडिंग कर रही हूँ, कोई बहुत गेम चेंजर टाइप के पर्सन से आपका सामना हुआ है। ओके, तो उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें सच नहीं बताते, जबकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया रहता है, मगर कहीं ना कहीं वो जो सच उन्हें बताना, तो आपको बताना चाहिए, ये चीज़ें उनके साथ जो जैसे शेयर करनी चाहिए वो आप नहीं शेयर करते हो। इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में आए गए दिन लड़ाइयाँ रहेंगे। ओके, हमेशा लड़ाइयाँ रहेंगी। उनको ऐसा लगेगा कि आप सच नहीं हो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऐसी कौन सी सच्चाई है मेरे अंदर जो मैं तुम्हें बता दूँ। अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, ये सही बात है, बट उन चीज़ों का बैगेज आप लेके चल नहीं रहे हो, तो आप उन चीज़ों को उतना मैटर नहीं देते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो जो पास्ट की बातें थी वो पास्ट की एनर्जी में है, और प्रेजेंट की एनर्जी को क्यों ख़राब करना पास्ट की एनर्जी के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, कहीं ना कहीं मे बी वो आपको ऐसा कहते होंगे कि भाई आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये कंप्लीटली आप जानोगे
कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को रीड नहीं कर रही हूँ अभी प्रेजेंटली। तो अगर आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो तो प्लीज़ उन्हें कंट्रोल करना बंद कर दें, उनको अपने एक फ्रीडम दें जिसमें वो लिव कर सकें इस रिलेशनशिप में। मगर फिर आप मेरे को बोलोगे कि मैम ये मुझे कंट्रोलिंग बोल रहा है, मैं तो हमेशा शांत ही रही हूँ या शांत ही रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है मुझे, मैं जब तक आपकी एनर्जी नहीं रीड करूँगी तब तक मैं ये कुछ नहीं कह सकती। ओके, बहुत शांति शांति से रहते हुए भी आपके पार्टनर आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। किसी किसी के पार्टनर की मैरिज होने के भी चांसेस हैं, हो सकता है आपके पार्टनर की शादी होने वाली हो, मे बी आप ही के साथ हो रही हो या किसी और के साथ हो रही हो। हो सकता है फैमिली की वजह से, स्टेटस एंड ये कास्ट रिलीजन इन सारी चीज़ों के वजह से वो अपने फैमिली या किसी ऐसे पर्सन के बताए हुए रिश्ते में एंटर कर रहे हैं। ओके, बट उनको एक फीलिंग ज़रूर है कि उनका कुछ लॉस हो रहा है जो उनको अभी शायद नज़र नहीं आ रहा है। इवन फॉर दैट मैटर हो सकता है कोई शादी वगैरह कुछ नहीं हो रही हो, कोई ऐसी एनर्जी नहीं चल रही हो, आप और ये पर्सन एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होने के चांसेस बनते हैं। मे बी आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो आपका ट्विन फ्लेम हो या आपका सोलमेट हो, मे बी। क्योंकि देखिए ये रिलेशनशिप काफ़ी अजीब किस्म का है, बहुत अजीब तरीके से शुरू हुआ है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि चीज़ें यहाँ पे शुरू हो सकती हैं, बट समवेयर एक ईर्ष्या इस पर्सन से आपको कनेक्ट करती रही है। एक इंटरनल आप दोनों का कनेक्शन है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। यहाँ पे थोड़े एनर्जी चेंजेस के भी चांसेस बनते हैं, मे बी आपके पार्टनर ने या आपने या किसी और ने पूरे सिचुएशन में एनर्जी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी हो, ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशन वीडियोस देख के, मंत्रा चैंटिंग करके या और किसी तरीके से। ऑल्दो वो आपके इंटेलेक्ट को, आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके नॉलेज को, आपकी क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, और आप दोनों एक एनर्जी कनेक्शन के तार से जुड़े हुए हो, क्योंकि उनके लाइफ में क्या हो रहा है या आपको पता करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये उनको पता करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में इंट्यूशन में भी इंक्रीमेंट आया है, ओके। इंट्यूटिवली आपको अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस होता होगा, और समवेयर आपके आने से ये पर्सन जो है उसके भी पोजीशन में डिटरमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है। किसी ना किसी टाइप का सेलिब्रेशन है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कहते हों कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये सही है कि वो आपसे हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज टाइप के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बट इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो तो इसके लिए वो अपना टाइम लेंगे, क्योंकि वो चीज़ों को ऐसा बना देंगे कि जिस समय आप लोगों की शादी हो उस टाइम मैक्सिमम लोगों की एग्रीमेंट हो या मैक्सिमम लोग उससे खुश रहें, और जो खुश ना भी रहे वो कम से कम थोड़ा पैसिफाइड टाइप से रहें, ओके। मे बी अगर एक पर्सन कहीं बाहर रहता होगा तो अभी अपने घर आ सकता है, कहीं बाहर रहते हैं तो अभी बहुत अच्छा समय आप अपने प्लेस पे इन्हें बुला सकते हैं मिलने के लिए। कोई नई प्रॉपर्टीज पर्सन ने खरीदी हो, कोई नया होम खरीदा हो जिसमें ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इनको बहुत कंफर्टेबल सेफ महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है आपके साथ होते हुए, इनको अच्छा महसूस होता है, और आप दोनों का एनर्जी कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है आप इस चीज़ को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ किसी को समझ नहीं आएगी। मगर ऐसा लगता होगा जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता इस पर्सन के साथ आपका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जन्मों जन्मों वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में आई हुई है, ओके। देखिए इनके पास ये एबिलिटी तो नहीं है कि ये दिन रात बैठ के आपके साथ समय बिताएं, ओके। कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी और चीज़ों में काफ़ी बिजी रहते हैं, इनके भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें करनी होती हैं, थोड़ी लेज़ी, थोड़ा लेज़ी भी हैं बाय नेचर,
मगर वो जो मन से एक दूसरे के बारे में सोचना होता है ना, वो आप लोगों का रुकता नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से नहीं भी बात करो, अलग अलग डायरेक्शन में भी रहो, अलग अलग जगहों पे भी रहो, तो भी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड रहोगे। ओके, और हमेशा हमेशा आप दोनों ही, ओके, आप भी और आपके पार्टनर भी किसी ना किसी टाइप का तरीका खोज के एक दूसरे से बात करना चाहोगे। किसी किसी के केस में कोई एक ऐसा इंसान आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो कि एज में काफ़ी बड़ा हो और जिसकी जिसका स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट हो आपके पार्टनर या आपके लाइफ में। ओके, तो इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप को काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही उसे चलने का या उसे चलने देने का परमिशन दें। और अगर मैरिज तक इस पूरे सिचुएशन को ले जाना है तो फैमिली को एग्री कराना होगा, और फैमिली को एग्री कराने में थोड़े एनालिसिस वगैरह हैं। फिर बात आती है और क्या ये पर्सन आपके बारे में फील करता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, कुछ 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 कुछ, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी पास्ट की बातें, कभी फ्यूचर की बातें। तो प्रेजेंट की बातें अगर आप कहोगे क्यों नहीं सोचते हैं, तो प्रेजेंट में तो सोच ही रहे हैं, प्रेजेंट की भी बातें सोचेंगे। बट अभी के सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करते रहते हैं, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, दिस कर लूँ, दैट कर लूँ। बट ये आपके रिस्पेक्ट में कोई भी डिसीजन काफ़ी रिस्पॉन्सिबली लेना चाहते हैं, काफ़ी ऐसे लेना चाहते हैं कि कल हो के कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी खराब ना हो, आप दोनों रिश्ते को अच्छे से रख सकें, आप दोनों रिश्ते को अच्छे से रख सकें और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। इस टाइप से ही ये इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। बट आप लोगों की इमोशंस की नैया हमेशा अप डाउन, कभी एक दूसरे पे इतना प्यार आता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और कभी एक दूसरे पे इतना गुस्सा आता है कि एक दूसरे को देखने की भी इच्छा खत्म हो जाती होगी। बट एट दी एंड जब ये पर्सन आपके सामने होता होगा तो आपको अपनी लाइफ काफ़ी कंप्लीट महसूस होती होगी, आपको काफ़ी होमली फीलिंग्स आती होंगी। ये पर्सन आपके लिए एक फादर फिगर या मदर फिगर टाइप का भी हो सकता है। ओके, मे बी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके फैमिली में हैं, जो उनके फैमिली में भी हैं। मे बी इनका केयर कंसर्न, आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे कुछ एक रिलेशन होता है ना, कुछ एक कनेक्शन होता है ना, कि हाँ मेरे मम्मी पापा भी इतना ही ख्याल रखते हैं मेरा जितना मेरे पार्टनर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग भी आपको आ सकती है कि भाई ये तो पर्सन मेरा काफ़ी ख्याल रखता है, ये पर्सन मुझे काफ़ी पसंद करता है, काफ़ी केयर करता है, काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, तो वो चीज़ आ सकती है। देखिए, आप दोनों के बीच में जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उसमें बहुत सावधानी से सोचने की ज़रूरत है। जो पार्टनर आपके कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अगर सावधानी से आप लोग सोचो तो सारे सॉल्यूशंस बाहर आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि आप लोग सिचुएशन के कंट्रोल में रहने वाले लोगों में से नहीं हो, आप लोग सिचुएशन को उठ के बदलने वाले लोगों में से हो। ओके, तो आप लोग सोच समझ के अगर चीज़ों को करते हो तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग चल सकता है। बट वही है, एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं, हमें कनेक्ट भी नहीं करना, हमें करेक्शन भी नहीं करनी, हमें मेहनत भी नहीं करना, सब कुछ खुद ब खुद हो जाए, तो नहीं, ओके, डोंट डू दिस। आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिंग टाइम बहुत ही अच्छा होगा, बट कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कभी कभी आपको इस पर्सन के पीछे भागना पड़ सकता है। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप दोनों का जो लव है एक दूसरे के लिए वो काफ़ी ट्रू है और काफ़ी पायस है, प्योर है। ओके, आप लोग जितना भी लड़ लो, आप लोगों की एनर्जी में ये नहीं है कि आप लोग किसी और ही रिलेशनशिप में चले जाओगे, अनटिल और अनलेस कोई ब्रेकअप ना हुआ हो। ओके, अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनके पार्टनर्स किसी और रिलेशनशिप में चले जाए, मतलब अब ब्रेकअप हो गया, बहुत समय निकल गया तो मे भी जा सकते हैं, बट अदरवाइज ऐसे चीटिंग के चांसेस बहुत कम है। हाँ, ये पर्सन झूठ बोल सकता है, और झूठ ये बोलेंगे मगर ब्लेम आप पे डालेंगे। आपको बेस्ट रहना होगा इनके साथ रहने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी एक परफेक्शनिस्ट हैं, काफ़ी आउटस्पोकन हैं, और आप इनके साथ होते हुए सेम एनर्जी पे रहना चाहते भी हो।
तो इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो ना, तो आपके बारे में इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, बहुत। ये थॉट्स इनके माइंड में आना रुकेंगे नहीं, बंद नहीं होंगे। कभी कोई थॉट, कभी कोई थॉट, मगर आता रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत टाइप के ओपिनियंस भी देंगे आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप को ओपिनियन से थोड़ा फ्री रखने की कोशिश करें। आप दोनों की एनर्जी देख के मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एलिगेंटली रिश्ते को चला सकते हो। और अगर कोई ऐसा पर्सन आप दोनों के आजू बाजू है जो सजेशन देगा ही देगा, चाहे उसे कितना भी मना कर लो, तो आप उनके सजेशन सुन लो, बट फॉलो वही करो जो इंट्यूटिवली या गट फीलिंग से आपको ऐसा महसूस होता है। फॉर दैट मैटर थोड़ा अपने ड्रीम्स पे भी फोकस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ना आप झुकने की ज़रूरत है, ना आपके पार्टनर को झुकने की ज़रूरत है। अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छे तरीके से चलेगा। मगर एक बार आपके पार्टनर को देखिए, ऐसा लगता है कि अगर वो नाराज़ हो जाए तो आपको उनको मनाने जाना चाहिए। क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे वो हर एक चीज़ आपके लिए सही करके रखते हैं, वो इमोशनली आपके लिए प्रेजेंट हैं, जो उन्हें शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो अपने लेजीनेस की वजह से या और कामों की वजह से थोड़ा कम इमोशनली प्रेजेंट, थोड़ा और ज़्यादा हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि वो प्रेजेंट है। तो वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए हमेशा ही प्रेजेंट रहो, हमेशा ही उनके सामने रहो या उनके लिए चीज़ें करते रहो। अब एक सेट और कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेक्ट फीलिंग्स आपके लिए और क्या है। तो लड़ना नहीं है, एक दूसरे को कंपेयर कर करके आप प्यार का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करते हो, किसी के तरह बनने को बोलते हो, और आप वो नहीं बन सकते हो क्योंकि आप अलग एनर्जी पे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बैठ के बात करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को बस सुनते रहोगे और उसी तरीके से एडमिट करते रहोगे, या उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे के चुपचाप से बैठे रहोगे रिश्ते के टूट जाने के डर से, तो ये रिलेशनशिप आपको जितना हैप्पीनेस देना चाहिए उतना हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। तो आपके रिश्ते की एनर्जी मुझे ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक चल रहा है, ठीक चलेगा। अभी ऐसा कोई, अगर आपका पास्ट में ब्रेकअप हो गया है तो अलग बात है, अगर कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है तो कमिंग टाइम में कोई ब्रेकअप का चांसेस नहीं है। अप डाउन हो सकता है, थोड़ा ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ऊपर नीचे चल रही है, तो उसकी वजह से चीज़ें हो सकती हैं। मगर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस परफेक्शन कहाँ से लाया जाए। ये चीज़ आप अपने पार्टनर को समझाइए कि कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो खुद परफेक्शन के पीछे भागते हैं और आपको भी परफेक्शन के पीछे भागाना चाहते हैं। वो खुद जिस तरीके से चीज़ें करते हैं उसी तरीके से आपसे भी करवाना चाहते हैं, बट आप अलग टाइप के पर्सन हो, वो अलग टाइप के पर्सन है। तो एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करके चलेंगे तो रिश्ता बहुत समय तक चलेगा। एक दूसरे के रिलेशनशिप के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। रिलेशनशिप को थोड़ा और स्पाइसी बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा इसमें और फन डालने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस को पीछे छोड़िए और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको धीरे धीरे करके हटाने की कोशिश कीजिए। जितने नेगेटिव फैक्टर्स को आप धीरे धीरे हटाओगे उतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ब्राइटनेस आएगा। इस रिलेशनशिप में कंप्लीट पॉजिटिविटी है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सुनने की क्षमता रखें, माइंड करें इस बात को कि आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि वो भी आपकी बात काफ़ी ध्यान से सुनते हैं। करना नहीं करना वो एक टोटल डिफरेंट सिचुएशन है, बट एटलीस्ट सुनते बहुत ध्यान से हैं। और अपने एनिमीज पे थोड़ा नज़र रखिए, जो लोग आपको लगता है कि आपके रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, उनका क्या ओपिनियन आपके बारे में बन रहा है नहीं बन रहा है, इस पे थोड़ा नज़र रखने की कोशिश करें। बट ये सब कुछ बिना आपने एनर्जी को इम्पैक्ट किए हुए। और अगर देखिए, जो आपका बुरा चाहते हैं, या तो आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं, या नज़र रखना,
अगर आप नज़र रखते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पार्टनर को वो आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल के भड़काए नहीं, ओके। और जहाँ तक हो सके, देखिए इसमें आप दोनों की भी गलती है क्योंकि आप दोनों को भी और ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। और जहाँ तक हो सके एक दूसरे के इमोशंस को समझिए, ओके। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।